और एक बार फिर से लालू यादव के सुपुत्र तेज प्रताप यादव चर्चा में बने हुए हैं। आपको बता दें कि अभी जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपको तेज प्रताप यादव अपने आवास पर जो सुरक्षा कर्मी है या उनके साथ जो लोग रह रहे हैं उनको हल्दी वाला दूध पिला रहे हैं। और उनका कहना है कि हल्दी वाला दूध पीने से लोगों की इम्यूनिटी पावर जो होती है वो मजबूत होती है। तो आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से इन्होंने सारे सुरक्षा कर्मियों को हल्दी का दूध पिलाया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तो वैसे भी जब जैसे कोई आदमी घायल होता है या चोट लगता है या बीमार होता है तो हल्दी दूध वो गर्म से जितना भी अंदर का बैक्टीरिया वगैरह होता है वो सब नष्ट होता है, खत्म हो जाता है। तो वो तो वैसे भी हल्दी और दूध पीना चाहिए लोग को। और अभी तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि प्राचीन हमारा हल्दी दूध जब किसी योद्धाओं को या घायल होते थे पहले युद्ध में तो लोग हल्दी दूध पीने का कॉन्सेप्ट था और शुरू से चला रहा है, प्राचीन है, हमारा बनाया हुआ नहीं है। तो सबकी मजबूती के लिए आप तो सबकी मजबूती के लिए और पहले की सुरक्षा कर्मी अपना आवास का सुरक्षा करते हैं लोग, अरे हमारे साथ रहते हैं हमारा सुरक्षा में। और तमाम अभी जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में और सब जगह जो लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें इन लोगों की बहुत अहम भूमिका है, प्रशासन के लोगों की। और बाकी लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे तेज प्रताप जी? और बाकी लोग से यही अपील हम करना चाहेंगे कि अभी तो लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा जितने लोग हैं कि घर में रहें, घर से ना निकलें।